गुड आफ्टरनून माय डियर लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस करके हमारे पास यहाँ पे है। तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं यहाँ से। तो जंबल्ड वर्ड हमारे पास है जिनसे कि हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, जिससे एक जो मीनिंग निकल सके सेंटेंस की। तो रीअरेंज दिस सेंटेंसेस, वी कैन से रीअरेंज टाइप के सेंटेंस हैं, दोबारा से हमें इनको अरेंज करना है, सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखना है, ताकि एक करेक्ट मीनिंग निकल सके। तो इसमें देखिए, पहला सेंटेंस हमारे पास जो है, इसमें देखिए क्योर इज बेटर प्रिवेंशन देन, तो बेटर देन होता है, ये तो आपको पता है। तो क्या बेटर होगा, प्रिवेंशन जो है वो क्योर से बेटर होता है, ये कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर करके हो जाएगा। प्रिवेंशन अगर बात करें तो प्रिवेंशन हो गया हमारा, प्रिवेंशन के बाद इज लग जाएगा, फिर अगर बात करें तो बेटर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होता है। तो ये पहला हमारा सेंटेंस हो गया, जो जो प्रिवेंशन है वो बेहतर है किससे, क्योर से, इलाज से। तो दूसरा सेंटेंस अगर बात करें, दूसरा है लेस नॉइस मेक, तो नॉइस जो है कम करिए, कहने का मतलब है नॉइस में सल्ला करना होता है। तो क्या इसमें वर्ब हम पहले लगाएंगे, जैसे गो देयर होता है, तो ऐसी क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेक लेस नॉइस, मेक लेस यानी कि हल्ला जो है कम कीजिए, कहने का मतलब है मेक लेस नॉइस, नॉइस करके हम कर लेंगे, ये बन गया हमारा सेंटेंस मेक लेस नॉइस। तीसरे नंबर का सेंटेंस देखिए यहाँ पर, स्पोर्ट्स इंटरेस्टेड आई एम द इन ज्वाइनिंग क्लब करके है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आई, आई के बाद आपको पता है एम लगेगा, आई एम क्या, मैं क्या हूँ, इंटरेस्टेड हूँ, आई एम इंटरेस्टेड हो जाएगा, आई एम इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड हूँ किसमें, इन ज्वाइनिंग यानी कि ज्वाइन करने में, आई एम इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग हमारे पास हो जाएगा क्या करने में, क्लब को, स्पोर्ट्स क्लब को, तो द स्पोर्ट्स क्लब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स क्लब की बात चल रही है, दी स्पोर्ट्स यहाँ पे क्लब हमारा है, ये बन गया सेंटेंस। तो यहाँ पे तीसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई एम इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे रुचि है क्या करने में, ज्वाइन करने में स्पोर्ट्स क्लब को। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पे, फोर्थ नंबर का है, टू डेज द स्कूल सी अटेंडेड, सी अटेंड कुड नॉट फॉल। तो सब्जेक्ट कर ले, तो पहले नंबर पे हमें क्या करना है, सी ले लिया हमने, सी, सी के बाद यहाँ पे मॉडल एक्जरी, कुड नॉट हो जाएगा, सी कुड नॉट हो जाएगा, सी कुड नॉट, इतना हमने लिख लिया। तो सी कुड नॉट अटेंड, अटेंड करेंगे यहाँ पे, ए डबल टी ई एन डी हमारा अटेंड हो गया, सी कुड नॉट अटेंड, ओ कुड नॉट, ओ अटेंड नहीं कर सकी क्या, द स्कूल, she could not attend the school हो जाएगा, she could not attend the school, कितने दिन से, दो दिन से। तो इससे पहले हम since for जैसे लगाते हैं, वैसे यहाँ पे preposition लगाएंगे, for two days हो जाएगा, for two days हमारा ये हो चुका sentence, she could not attend, वो school attend नहीं कर सकी दो दिन से। next sentence देखिए यहाँ पर, never glory can dear fade, तो जो उनकी चमक है dear glory, ग्लोरी जो है वो कभी फेड नहीं हो सकती। तो ग्लोरी किसकी है, उनकी। तो यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव है ये, और तो इसको अगर बात करें तो डियर यहाँ पे पहले नंबर पे आ जाएगा हमारे पास, टी एच ई आई आर, डियर, इसके बाद हम करेंगे ग्लोरी, डियर ग्लोरी, फिर आ जाएगी यहाँ पे मॉडल एग्जरी, कैन, फिर नेवर फेड, उनकी चमक जो है कभी कम नहीं हो सकती, ये कहने का मतलब है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे, तो पहले स्लाइड का हमारा हो चुका है काम, दूसरे स्लाइड में हम जाएंगे यहाँ पे, सिक्स टू टेंथ यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप इसमें, लाइक नोवेल आई रीडिंग फील करके यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसको हमें यहाँ पे सिस्टमेटिक करना है, तो पहले नंबर पे हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे, आई ले लिया हमने, आई के बाद लाइक, फील लाइक आपने सुना होगा, पसंद मन करता है, आई फील लाइक ये बना हमारा, लाइक के बाद हम जीरंड यूज करते हैं, रीडिंग हो जाएगा, आई फील लाइक रीडिंग हमारा बन गया, आई फील लाइक रीडिंग क्या करना, नोवेल्स, मेरा क्या करने का मन करता है, नोवेल्स पढ़ने का मन करता है, आई फील लाइक रीडिंग नोवेल्स करके यहाँ पे हो जाएगा, मेरा नॉवेल्स पढ़ने का मन करता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वे हाई, वे और माई करके हमारे पास है, तो कहा जाता है या तो मेरी सुनो या चलते मनो, तो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं, माई वे और हाई वे, माई वे
और यहाँ पे हम बना देंगे माई वे और हाई वे करके हमारा सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर बात करें तो 7-8 नंबर का है, लेम वन लिटिल लैम्ब वॉच करके है, तो वन लिटिल लैम्ब, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लैम्ब तो है ही हमारे पास, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे लैम्ब कितने हमारे पास वन, अगर बात करें वन लिटिल, क्योंकि आपको पता है एडजेक्टिव पहले आता है, डिटरमिनर भी है यहाँ पे वन लिटिल लैम्ब, अगर लैम्ब बात करें तो एल ए एम बी, यहाँ पे लैम्ब वन लिटिल लैम्ब वॉच क्या था लेम, लेम हो जाएगा एल ए एम बी, लेम लेम मीन्स लंगड़ा और टी एम ई टी मीन्स होता है पालतू, तो इस टाइप की राइमिंग वर्ड है होते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर यू वेयर डू लिव करके हमारे पास है, तो अगर बात कर रहे हैं तो यू लिव डू यू लिव क्या आप रहते हैं, वेयर डू यू लिव आपको अगर पता है तो आप इजीली इसको कर लेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा वेयर, अगर बात करें वेयर के बाद यहाँ पे डू आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास यू, वेयर डू यू लिव करके ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा, वेयर डू यू लिव आप कहाँ रहते हैं। लास्ट सेंटेंस की अगर बात करें नेवर लेबर इन वेन गोज करके हमारे पास है, तो नेवर तो बाद में आएगा, पहले क्या आ जाएगा लेबर, यहाँ पे हमारे हमें आइडेंटिफाई क्या करना है सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, तो लेबर हो जाएगा लेबर, लेबर के बाद हो जाएगा लेबर जो है कभी नहीं जाता, नेवर गोज, नेवर गोज कभी नहीं जाता, या लेबर डज नॉट गो एवर इन वेन करके, इन वेन एवर करके हम इसको बना सकते हैं, तो लेबर नेवर गोज कभी नहीं जाता किसमें, इन वेन व्यर्थ बेकार कभी नहीं जाता कहीं का मतलब है, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो अगर बात करें तो पहली स्लाइड की यहाँ पे देख लेते हैं जिसमें हमारे पास 5 सेंटेंस थे, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम जंबल्ड वर्ड्स, क्यों इज बेटर प्रिवेंशन देन करके था, तो बेटर देन होता है इसको हमने एक साथ कर लिया, फिर इसके बाद प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये तो एक आपने सुना ही होगा प्रोवर्ब करके है, और लेस नॉइस मेक करके है, तो मेक लेस नॉइस हमने यहाँ पर बनाया सेंटेंस से, स्पोर्ट्स इंटरेस्टेड आई एम द इन जॉइनिंग क्लब था, तो आई एम इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग द स्पोर्ट्स क्लब हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस टू डेज द स्कूल सी अटेंड कुड नॉट फॉर करके था, तो सी कुड नॉट अटेंड, हमने इतना सेंटेंस बनाया यहाँ पे द स्कूल, वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाई फॉर टू डेज दो दिन से। नेवर ग्लोरी कैन डियर फेड, तो डियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनकी चमक कभी कम नहीं हो सकती। नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात करें तो दूसरी स्लाइड यहाँ पे है लाइक्स नोवेल आई रीडिंग फील करके था, तो आई फील लाइक रीडिंग नोवेल्स हो जाएगा। अब बात करें वे हाई और माई करके था, माई वे और हाई वे मेरी सुनो या चलते बनो, लेम वन लिटिल लैम वॉज करके था, वन लिटिल लैम वॉज लेम हमने बनाया सेंटेंस। नेक्स्ट 9th नंबर पे था यू वेयर डू लिव करके था, वेयर डू यू लिव करके यहाँ से सेंटेंस बन जाएगा, तो आप कहाँ रहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेवर लेबर इन वेन गोज करके था, लेबर नेवर गोज इन वेन हमने यहाँ से सेंटेंस बनाया कि जो लेबर है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, तो जो मेहनत है वो कभी बेकार नहीं जाती है। तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।